कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार हो रही है और चुनावी शंखनाद से हिंदुत्व का मुद्दा सुर्खियों में है। दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस में असली हिंदू को लेकर बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। मुद्दा बने हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल सिद्धारमैया ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं जो सांप्रदायिक तनाव और उन्माद की घटनाओं में आरोपी बने हैं। इस मामले में सिद्धारमैया सरकार पुलिस विभाग को पिछले 2 महीने में 4 सर्कुलर भेज चुकी है। सरकार ने अल्पसंख्यक किसान और कन्नड़ समर्थकों से जुड़े ऐसे केस की डिटेल्स मांगी है। सिद्धारमैया के इस कदम के बाद बीजेपी ने उन्हें हिंदू विरोधी करार दे दिया। बीजेपी भले ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यकों और किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के कदम को हिंदू विरोधी करार दे रही हो, लेकिन ऐसा ही एक स्टेप उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी उठाया है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके में 2013 में दंगा हुआ था। अगस्त सितम्बर महीने में हुए सांप्रदायिक दंगों में 60 लोग मारे गए थे और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। दंगों के वक्त सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फसाद फैलाने के आरोप में इलाके के सभी दलों से जुड़े नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। 5 जनवरी को योगी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा केस में बीजेपी नेताओं के खिलाफ अदालत में लंबित 9 आपराधिक मामलों को वापस लेने की संभावना पर सूचना मांगी थी। तो वहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार के दौरान कई हिंसक झड़पें सामने आई हैं। खासकर 2015 में बड़ी संख्या में सूबे में 250 से ज्यादा फसाद की घटनाएं हुई। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक आंकड़ा जारी कर बताया था कि 2015 के दौरान सांप्रदायिक झड़प के आरोप में 250 से ज्यादा मुस्लिमों को गिरफ्तारियां हुई, जबकि करीब 300 हिंदू आरोपी अरेस्ट हुए। अब सिद्धारमैया सरकार ने अल्पसंख्यक किसान और कन्नड़ समर्थकों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का कदम उठाया है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने ऐसे मुकदमों की जानकारी मांगी है जिसे बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार का हिंदू विरोधी कदम करार दिया है। दरअसल इसके पीछे वजह ये भी है कि बीजेपी कांग्रेस सरकार के दौरान कर्नाटक में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लगाती रही है। ऐसे में अब जब सिद्धारमैया सरकार ऐसे मामलों से जुड़े केस वापस लेने के मूड में है तो बीजेपी को आक्रामक होने का एक और मौका मिल गया है। वहीं इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद को 100% हिंदू करार दिया था। इसके साथ ही ये भी कहा था कि बजरंग दल और आरएसएस में भी अतिवादी लोग हैं, जिस पर काफी बवाल हुआ था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच ट्विटर वार भी देखने को मिला था।